Hello world, my name is Vaseem and welcome back to the series Web Development. HTML CSS exercise में आज हम बनाते हैं एक invoice template. Basically मैंने एक phone pay का ही invoice reference के लिए ले रखा है, उसी को हम design करते हैं. ठीक है, ये कुछ इस तरीके का design करने वाले हैं हम आज. इस exercise के through आप ये देख पाएंगे कि HTML को use करते हुए जब हम tables बनाते हैं ना, उस पर किस तरीके से CSS apply कर सकते हैं. Okay? और प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने बाकी के एलिमेंट्स के अंदर तो देख ही लिया, लाइक फॉर एग्जांपल डिव्स पर, इमेजेस पर, एंकर टैग्स पर, फॉर्म्स एलिमेंट पर, इनपुट टाइप टेक्स्ट, पासवर्ड, ईमेल एंड जितनी भी अदर थिंग्स थी वो हमने सारी कवर कर ली ऑलमोस्ट. तो और आज देखते हैं कि टेबल्स पर किस तरीके से सीएसएस अप्लाई हो जाएगी. ओके, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते. सबसे पहले मैंने क्या कर रखा है, अगेन एक फाइल बना लिया, बेसिक फॉन्ट फैमिली अप्लाई कर रखा है, बॉडी को बैकग्राउंड दे रखा है बिल्कुल लाइट ग्रे, और एक कंटेनर बना लिया जस्ट टू डिस्प्ले द फ्रेम, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, मिनिमम हाइट वगैरह मैंने असाइन कर रखी है, ये इतनी सीएसएस मैंने लिख रखी है. ठीक है, अब हम कंटेनर के अंदर आते हैं और इसको हम डिवाइड करेंगे तीन से चार सेक्शन के अंदर. ठीक है, सबसे पहले मैं एक डिव क्लास बनाता हूँ इनवॉइस. ठीक है, इसके अंदर ये हमारा मेन इनवॉइस होगा. अब इनवॉइस के अंदर जाके देखते हैं कुछ सेक्शन है. फर्स्ट सेक्शन इज द हेडर जिसमें लोगो और डेट आएगा, फिर होगी इनवॉइस की बॉडी जिसके अंदर हमारा ट्रांजेक्शन डिटेल होगी, फिर बाद में होगा कह सकते हैं कि सेकंड सेक्शन होगा जिसमें कुछ एक इंफॉर्मेटिव मैसेज है, देन लास्ट में फुटर. ओके, तो सबसे पहले हमारी जो डिव होगी वो होगी डिव क्लास हेडर. हेडर दे सकते हैं, टॉप बार दे सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट टू असाइन. ओके, देन डिव क्लास फॉर एग्जांपल इनवॉइस बॉडी. ठीक है, ये हो गया. देन हम एक डिव बनाएंगे डिव क्लास इन्फो सेक्शन. ठीक है, देन लास्ट में एक डिव होगा हमारा फुटर. ठीक है, इतने में हम डिवाइड करेंगे. तो सबसे पहले हम आते हैं सेक्शन के अंदर. सेक्शन के अंदर आने से पहले हम क्या करते हैं, इनवॉइस पर मैक्स विथ वगैरह असाइन कर देते हैं ताकि जो हमारा कॉन्टेंट है वो बाहर ना निकले. ठीक है, मैक्स विथ असाइन कर दिया. ओके, मार्जिन अप्लाई कर देते हैं ऑटो ना करके, इसको हम कर देते हैं 20 पिक्सल. और एक बार के लिए बैकग्राउंड देते हैं कुछ डार्क देते हैं ताकि हमें इस फ्रेम की बॉडी पता चले. हाइट भी असाइन करनी पड़ेगी एक बार के लिए. मिन हाइट दे देते हैं इसको हम फॉर एग्जांपल 300 पिक्सल जस्ट टू डिस्प्ले द फ्रेम. ठीक है, हमारा फ्रेम आ चुका है. पेडिंग आई गेस ऊपर ज्यादा अप्लाइड है तो इसको हम कर देते हैं कम. ठीक है, तो 10 पिक्सल करते ही हमारा काम बन पड़ा. और इसको हम मार्जिन कर देते हैं 10. ठीक है, आई गेस ये सफिशियंट है. और अगर जीरो भी कर देंगे तो भी चलेगा क्योंकि कंटेनर पर हमारी पेडिंग ऑलरेडी अप्लाइड है. इसको हम कर देते हैं 5 पिक्सल. ओके, तो इनवॉइस हमारा रेडी है, हमारा बेसिक फ्रेम रेडी है इनवॉइस का. अब हम आते हैं इनवॉइस के अंदर. सबसे पहले है हेडर, इसको हम मेन हाइट असाइन कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल 100 पिक्सल की, और मैक्स विड्थ असाइन कर देते हैं अगेन सेम 100%. ओके, अब हेडर के अंदर भी हमारी दो डिव बने, दो सेक्शन बनेंगे. फर्स्ट वन इज फॉर लोगो, सेकंड वन इज फॉर द डेट. तो हम अगेन एक डिव लेंगे डिव क्लास लोगो, इसके अंदर एक आईएमजी टैग असाइन, आईएमजी टैग लेंगे. सेकंड डिव हम लेंगे जस्ट टू डिस्प्ले द डेट. तो हम क्लास बना देते हैं डेट और इसको एक पी टैग में डाल देते हैं डेट को, जस्ट टू डिस्प्ले द डेट. जैसे आज डेट है फॉर एग्जाम्पल 28th October. तो सबसे पहले हेडर के अंदर लोगो डिव, राइट, इसको हम मैक्स विद असाइन कर देते हैं फॉर एग्जांपल 50% की, और फ्लॉट लेफ्ट दे देते हैं. लोगो के अंदर अब हम आते हैं इमेज टैग पर. इमेज को हम असाइन करते हैं विद 50 पिक्सल कर देते हैं, हाइट एंड विद्थ को. ठीक है, लुकिंग गुड. अब बारी आती है डेट डिव के अंदर पी टैग की, राइट. तो पी टैग पर आए, टैक्स अलाइनमेंट सबसे पहले असाइन करते हैं राइट. ठीक है, अभी भी राइट में नहीं गया, कोई दिक्कत नहीं. अब देखते हैं हम किसके थ्रू, इंस्पेक्ट के थ्रू कि क्या प्रॉब्लम है. इंस्पेक्ट में आते हैं हम, थोड़ा इसको नीचे लाते हैं. मैक्स विड्थ ना करके अगर मैं विड्थ करता हूं इसको, ठीक है, अब हमारा काम बनेगा. ठीक है, इसको भी मैं मैक्स विड्थ ना करके विड्थ कर देता हूं, ऑटोमेटिक काम बन चुका है. तो मैक्स विड्थ हर जगह काम नहीं करेगी. ठीक है, ठीक है. अब बारी आती है नेक्स्ट सेक्शन की, जो कि है टेबल, जो कि होगा इनवॉइस बॉडी के अंदर. तो टेबल के अंदर हम आकर सबसे पहले टेबल टैग के थ्रू टेबल डिफाइन करते हैं. टेबल डिफाइन कर दिया, ठीक है. स्टाइलिंग कुछ भी लिखनी है वो सारी सीएसएस के थ्रू लिखेंगे. ठीक है, सबसे पहले क्या होगी, टेबल के अंदर टेबल रो होगी, करेक्ट. और टेबल रो के अंदर टेबल हेडिंग होगा, देन एक होगा टेबल डेटा,
राइट टीडी। अब यहाँ पर टीएच और टीडी क्यों चल रहा है वो आपको शायद ये टेबल देख के आइडिया लग रहा होगा कि यहाँ पर जो कॉलम्स है वो लेफ्ट साइड में ना कि टॉप पर, राइट। इसीलिए मैंने हर एक रो के अंदर फर्स्ट कॉलम इज फॉर टेबल हेडिंग एंड सेकंड कॉलम इज फॉर द टेबल डेटा। ओके, तो हेडिंग के अंदर सबसे पहले हेडिंग कौन सी है, टीएक्स एंड आईडी। चलो टीएक्स एंड आईडी से पहले रिचार्ज वगैरह वाली है वो हम इसके बाद बना लेंगे, चलो इसके बाद नहीं पहले ही बना लेते हैं। अगेन मैं सेम क्या करता हूँ, सेम कॉन्सेप्ट को कॉपी करता हूँ ऊपर वाले को और यहाँ कर दिया मैंने पेस्ट, ठीक है। और सबसे पहले क्या है, रिचार्ज फोर, तो इसका रख देते हैं फॉर एग्जाम्पल रिचार्ज इन्फो, ठीक है। और लास्ट वाले का रख देते हैं, सेकंड वाले का हो जाएगा अमाउंट। ओके, देन अगेन ये पी टैग हम इसमें कॉपी करते हैं और जो लेबल है वो चेंज कर देंगे रिचार्ज फोर और बाद में एच थ्री ले लेते हैं। एच थ्री के अंदर क्या आ जाएगा, आईडी आ जाएगी 140 समथिंग लाइक, जो भी नंबर आप डालना चाहें। इसको हम अभी स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे और डेट की जगह क्या आएगा, डेट की जगह आएगा अमाउंट। तो अमाउंट के लिए अगेन हम एक सबसे पहले फॉन्ट ऑसम के थ्रू एक क्लास कॉल करेंगे, आई क्लास FA-NINR आई गेस चल जाना चाहिए, अदरवाइज हम फॉन्ट ऑसम पर जाएंगे। अभी भी नहीं है तो चलते हैं फॉन्ट ऑसम पर, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको करते हैं हम कॉपी और ले जाके सिंपली कर देंगे यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। रुपीज सिंबल आ चुका है तो हमारा काम बन चुका है। अब हम करते हैं इस पर स्टाइलिंग अप्लाई, इसको अगेन सेम स्टाइलिंग ही जाएगा ना जैसे हमने ऊपर असाइन किया। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, हेडर की तरह ही इनवॉइस बॉडी को भी असाइन कर देते हैं, सेम प्रॉपर्टी है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी करके यहाँ पे कमेंट कॉमा सेपरेटेड में लगा देता हूँ बिकॉज सेम प्रॉपर्टी अप्लाई होनी है, करेक्ट। और अगेन रिचार्ज इन्फो भी मैं कॉपी करके इसी के कॉमा सेपरेटेड में लगा देता हूँ लोगो वाले के, बिकॉज सेम प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर भी अप्लाई करनी है। इन्फो के बाद क्या है, अमाउंट वाली क्लास है, तो इसको भी मैं कॉपी करके जो डेट वाला था उसके बाजू में लगा देता हूँ, ठीक है। हमारा काम बन चुका। अब क्या है, डेट के अंदर जो पी टैग था उसका भी टेक्स्ट अलाइनमेंट राइट ही था और यहाँ पर अमाउंट के केस में भी सेम ही है ना। तो यहाँ पर भी मैं सिंपली क्या करूंगा, कॉपी करूंगा अगेन वही कॉमा सेपरेटेड के साथ अमाउंट के अंदर पी टैग और रीलोड करेंगे तो ऑटोमेटिक राइट साइड में जा चुका है। नो डाउट टेक्स्ट का फॉन्ट साइज वो थोड़ा छोटा हो गया, इसमें देख लेते हैं बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसका फॉन्ट साइज सेपरेटली बढ़ा देते हैं। कॉपी करेंगे और बस फॉन्ट साइज बढ़ा दो, फॉर एग्जाम्पल 20 pixels कर दिया, ठीक है। अब बड़ा दिख रहा है फॉन्ट, वेरिएंट फॉन्ट वेट भी चेंज करते हैं बोल्ड, ठीक है। तो बोल्ड में आ गया। अब करते हैं इसकी स्टाइलिंग मैनेज, तो हम करते हैं हमारी रिचार्ज इन्फो के अंदर जो पी टैग वगैरह है उस पर स्टाइलिंग। फॉन्ट साइज जो है आई गेस उसका 12 pixels कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद पी टैग के बाद बारी है एच थ्री की, फॉन्ट साइज कर देंगे इसका बड़ा, मार्जिन कर दिया 0, ठीक है। टॉप से थोड़ा सा अप्लाई कर देते हैं मार्जिन टॉप 5 pixels, ठीक है। तो हमारा इतना सेक्शन भी रेडी है, ठीक है। तो हमारा हेडर और रिचार्ज इन्फो वाला पार्ट रेडी है। अब हम चलते हैं किस पर, अब हम चलते हैं हमारे इनवॉइस बॉडी पर। मैं बैकग्राउंड भी अप्लाई कर देता हूँ सेपरेटली बिकॉज उसके अंदर है सैंपल में, राइट। ये वाला अप्लाई करते हैं, ठीक है। लाइट ग्रे है, इसको भी पेडिंग दे देते हैं, ओके। अब हम एलिमेंट डिजाइन करते हैं बाकी के टेबल्स, ठीक है। तो टेबल वाले पे आते हैं, टेबल हमने एलिमेंट तो ले ही लिया, ये रही हमारी टेबल। टेबल के अंदर सबसे पहले क्या है, टी एक्शन नंबर, इसके अंदर कुछ भी डाल दीजिए आप, ठीक है। देन सेकंड रो क्या है हमारी, डेबिटेड फ्रॉम, इसके आगे कोई टी डी नहीं है तो इसको हम कॉल स्पान टू कर देते हैं, ठीक है। कॉल स्पान टू, तो यहाँ पर नहीं आएगा टी डी। देन अगेन एक टी आर को कॉपी करेंगे, कैटेगरी है डी टी एच डी टी एच। देन लास्ट में है प्रोवाइडर, तो प्रोवाइडर में अगेन एक टी आर कॉपी करेंगे, ओके। ये हमारा टेबल का कंटेंट रेडी है, जाके करते हैं इसको रीलोड, ठीक है, आ चुकी। अब हम इस पर करते हैं स्टाइलिंग अप्लाई। तो सबसे पहले टेबल को किया मैंने कॉपी और टेबल हमारे किसके अंदर है, इनवॉइस बॉडी के अंदर, राइट। तो इनवॉइस बॉडी के अंदर टेबल, राइट, उसको सबसे पहले तो मैक्स विड्थ असाइन करेंगे 100% की, ठीक है। बॉर्डर वगैरह अभी विजिबल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम एक बार के लिए डार्क करते हैं, ओके। टेबल पर हमारा बॉर्डर तो आ रहा है, ओके। अब हम टेबल के अंदर अप्लाई करते हैं हमारी CSS, TR और टेबल रो के अंदर टेबल हेडिंग और टेबल डेटा के अंदर, मतलब TH और TD पर, ओके। तो इसके अंदर TR के अंदर TH, इस पर हम बॉर्डर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो बॉर्डर आ चुका है सारे हेडिंग्स पर और यही सेम बॉर्डर हमें अप्लाई करना है टेबल डेटा पर भी। तो मैं सेम कॉपी पेस्ट करूंगा और कॉमा सेपरेटर के साथ सेम क्या लगा दिया मैंने, सेम सेलेक्टर लगा दिया टेबल डेटा का, ठीक है। तो बॉर्डर अब प्रॉपर आ चुका है, पर जो हमारा
डेबिटेड फ्रॉम है वो आ रहा है सेंटर में, तो इसको हमें लेफ्ट साइड में लाना है। तो क्या कर सकते हैं, हम इसको कॉपी करते हैं और यहां पर मैंने लिख दिया लेफ्ट, जिस पर मुझे लेफ्ट अलाइनमेंट लगाना है तो मैं उस पर सीएसएस अप्लाई कर दूंगा, सीएसएस क्लास अलाइनमेंट से। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट कर देंगे इसका लेफ्ट, तो इस लेफ्ट को मैं कहां अप्लाई कर दूंगा, जहां पर हमने क्या लिखा है, डेबिटेड फ्रॉम क्लास, डेबिटेड फ्रॉम, तो इस पर क्या करते हैं क्लास अप्लाई करते हैं लेफ्ट, तो आज का लेफ्ट से। ओके, बाकी की जो स्टाइलिंग है वो हम करते हैं यहीं से अप्लाई। टेबल पर मैक्स विड्थ की जगह सिंपल विड्थ करते हैं, ठीक है, काम बन चुका हमारा। तो सबसे पहले टेबल, टेबल ये रही, मैक्स विड्थ हटा दिया, ठीक है। अब हमारा जो टीएच वगैरह है इस पर हम थोड़ी बहुत पेडिंग वगैरह दे देते हैं, तो ताकि थोड़ी स्पेसिंग आ जाए। ठीक है, ये आ चुका है। यहां से मैं क्या करता हूँ, ये टेक्स्ट अलाइनमेंट जो लेफ्ट है ना, ये सिर्फ लेफ्ट पर ना करके सारे टीएच पर ही कर देते हैं, डिफॉल्ट अप्लाई हो जाएगा, बिकॉज हमें दिख रहा है उसके अंदर लेफ्ट जो टेबल अलाइनमेंट है वो सभी पर है, करेक्ट। तो ये रही हमारी टेबल कुछ इस तरीके से। बॉर्डरिंग कलर अगर आप देख सकते हैं अपने लेवल पर चेंज कर लेना, ठीक है। सक्सेसफुल का कलर यहाँ पर ग्रीन आ रहा है तो हम डायरेक्ट इनलाइन सीएसएस लगा देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सिर्फ यहीं पर होना है और कहीं नहीं होना, राइट। स्टाइल कलर ग्रीन, ठीक है, तो यहाँ पे कलर हो गया ग्रीन। ओके, इसको जूम करके देख सकते हैं, जूम करने पे ये इस तरीके का लुक आ रहा है, ठीक है। और जो बॉर्डर का कलर है टेबल के बॉर्डर का, वो थोड़ा लाइट कर देते हैं, अभी ज़्यादा डार्क है ना। टेबल से बॉर्डर चाहे तो हटा सकते हैं, बिकॉज हमने अप्लाई कहाँ कर रखा है, ऑलरेडी टी एच वगैरह पे कर रखा है, करेक्ट, टी एच और टी डी पे। दिस वन इज आई गेस लुकिंग गुड। ओके, अब बाकी का पार्ट क्या है, टेबल हमारी रेडी है। टेबल के बाद बारी आती है किसकी, नीचे वाले सेक्शन की, जस्ट फॉर यूजर इन्फो वगैरह जो भी है। तो इनवॉइस बॉडी वाला पार्ट हो चुका है। इन्फो सेक्शन के अंदर आकर हम सिंपली एक पी टैग लेते हैं, जिसके अंदर हाई यूजर नेम होता है, इसको कर देते हैं हम रन, ठीक है। तो हमारा ये सेक्शन आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम करते हैं मैनेज, स्टाइलिंग इस पर अप्लाई करते हैं। तो इन्फो सेक्शन, इन्फो सेक्शन पर भी आई गेस सेम ही अप्लाई करना है ना हमें, जो हमने अप्लाई किया है यहाँ पर, मैक्स विड्थ वगैरह ही देना है, दैट्स इट, ठीक है। तो ठीक है, अब इन्फो सेक्शन के अंदर आके हम पी टैग पर अप्लाई करते हैं। इन्फो सेक्शन पी टैग, सबसे पहले फॉन्ट साइज कर देते हैं हम इसका 12 पिक्सल, मार्जिन टॉप हमने कर दिया 10 पिक्सल, ठीक है। तो ये हमारा पैराग्राफ रेडी है। इसके बाद बस एक चीयर्स वाला मैसेज है, तो अगेन एक पी टैग के अंदर ही डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सेक्शन भी हमारा रेडी। अब लास्ट बारी आती है फूटर वाले पार्ट की, तो इन्फो सेक्शन के बाद हमारा बारी आती है फूटर की। तो फूटर को भी हमने किया कॉपी और इस पर हम अप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो हमें एक बॉर्डर अप्लाई करना है ना, ओके, तो इसको हम बॉर्डर टॉप देते हैं। सबसे पहले बॉर्डर टॉप 1 पिक्सल सॉलिड, ठीक है। तो बॉर्डर आ चुका है, प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं है। मार्जिन टॉप ले लेते हैं थोड़ा सा, मार्जिन टॉप फॉर एग्जाम्पल 10 पिक्सल, थोड़ी सी स्पेसिंग आ जाए, 10 आई गेस कम हो गया, उसको किया 30 पिक्सल, ठीक है, थोड़ा स्पेस आ चुका है। और इस वाले को भी थोड़ा सा टॉप दे देते हैं इन्फो सेक्शन में, जो इन्फो वाली जो डिवाइड इन्फो के अंदर मार्जिन टॉप कर देते हैं 20 पिक्सल, ठीक है। अब ये थोड़ा बेहतर लुक में आ रहा है। इसको हम दो सेक्शन में डिवाइड करते हैं, फुटर का टॉप बार और फुटर का बॉटम पार्ट, राइट। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, फुटर के अंदर लोगो ना लेके यही लेते हैं जो हमारा हेडर था ना, तो इसको हम क्या कर देते हैं, फुटर टॉप, और बाद में जो है वो है सोशल मीडिया आइकन, राइट। तो इसको हम क्लास देते हैं सोशल आइकन्स, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 3 एंकर टैग्स को लेना है, ahrefs हैशटैग, क्योंकि हमें कहीं रिडायरेक्ट नहीं करना, सबसे पहला मेन्यू है, ठीक है। सोशल आइकन्स के अंदर हमारे पास फेसबुक वगैरह के आइकन्स है, तो अगेन मैं एंकर टैग के अंदर ही उनको लूंगा, FAB है, ओके, एल की जगह होगा बी, और ट्विटर में भी सेम ही होगा, एल की जगह होगा बी, ठीक है। आइकन आ चुके, अब हम इस पर करते हैं स्टाइलिंग अप्लाई, ओके। तो फुटर टॉप, फुटर टॉप पर आते हैं, सबसे पहले तो इसको मार्जिन टॉप दे देते हैं थोड़ा, इसको ना देखे इसको हम पेडिंग टॉप दे देते हैं कंप्लीट फुटर को ही, पेडिंग टॉप 10 पिक्सल, ठीक है। अब आ रही आती है अबाउट अस वाले जो हमारे लिंक्स हैं, और उसके बाद जो सोशल आइकन है, तो लिंक्स वगैरह को भी हम मैक्स विड वगैरह ही असाइन करेंगे, सेम जैसा हमने हेडर पे किया था। तो उसको मैं अगेन यहीं पर कॉपी कर दूंगा, कॉमा सेपरेटेड में लिंक्स, और सेकेंड वन हमारी ये थी मैक्स विड 50 के लिए, और वो है सोशल आइकन्स, राइट, सोशल आइकन्स, ठीक है। इसको करते हैं रन, ठीक है, लेफ्ट राइट में आ चुका है। अब बाकी की बारी आती है, वो हम अलग से डिफाइन कर देंगे। फुटर टॉप के अंदर सबसे पहले लिंक्स, राइट, तो ये रहा फुटर टॉप, इसके अंदर बारी आती है लिंक्स की। लिंक्स के अंदर हमें अप्लाई करना है एंकर टैग पर सीएसएस, राइट,
तो सबसे पहले तो मार्जिन दे देते हैं लेफ्ट राइट से 5 पिक्सल का, ठीक है, लुकिंग गुड। नाउ अंडरलाइन वगैरह नहीं हटाते बिकॉज उसके अंदर भी है, डिजाइन में भी है, राइट, ये अपनी जगह रहने देते हैं। अब बारी आती है सोशल मीडिया आइकन्स की, तो ये सेम प्रॉपर्टी सबसे पहले तो मैं आइकन्स के लिए भी अप्लाई कर ही देता हूँ क्योंकि लेफ्ट राइट से स्पेसिंग तो हमें वहां पर भी चाहिए। सोशल आइकन्स, ये रहा हमारा सोशल आइकन्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम अलग से अप्लाई करते हैं सोशल आइकन्स पर, इसको हम बैकग्राउंड असाइन कर देते हैं किसका, ब्लू, ओके। और चलो एक बार के लिए इतना ही करके देखते हैं, ठीक है, अप्लाइड है। कलर इसका कर देंगे हम व्हाइट, कलर दोनों का ही बेसिकली व्हाइट है तो वो ऊपर ही रख देते हैं। फॉन्ट साइज भी अप्लाई कर देते हैं, हाइट विड्थ थोड़ी चाहे तो कम कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं 25 पिक्सल कर देता हूँ। ऑब्वियसली हमें लाइन हाइट भी कम करनी पड़ेगी, ठीक है, ओके। इसके बाद इसको हमें राइट साइड से शो करना है तो वो हम क्या करते हैं, टेक्स्ट सोशल आइकन्स का टेक्स्ट अलाइनमेंट राइट करके देखते हैं, चला गया, ठीक है। अब बारी आती है नेक्स्ट वन इज द ट्विटर पार्ट, तो यहाँ पर क्लास हम चेंज कर देंगे ट्विटर, और इसकी बैकग्राउंड चेंज कर देंगे हम #09C से, ओके, लुकिंग गुड। तो ये हमारा सेक्शन ये वाला भी रेडी है। इसके बाद अब बारी आती है सिंपली एक पैराग्राफ की, तो पैराग्राफ आप लास्ट में ऐड कर सकते हैं फुटर के बाद, फुटर टॉप हो गया, फुटर बॉटम कर सकते हैं इसको। डिव क्लास, इसके अंदर कुछ नहीं, बस एक पी टैग ही लिखना है, तो मैं लॉरम इप्सम भी लिख रहा हूँ, ठीक है, जो आपको वहाँ पे दिया आप वो लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं हम सिंपली फुटर बॉटम को भी थोड़ा बहुत मार्जिन टॉप दे देते हैं, ये रहा हमारा मार्जिन टॉप, थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। फॉन्ट साइज हम अप्लाई कर देते हैं 20 पिक्सल, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 14 इज सफिशियंट। यहाँ पर भी आप लाइन हाइट दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 20 पिक्सल करेंगे तो इसकी लाइन्स के बीच में जो हाइट है ना वो इंक्रीज हो रही है, राइट, एक लाइन के बाद दूसरी लाइन, इसको 22 कर देता है, सफिशियंट है। इसको हमने किया कॉपी और पेस्ट, तो ये हमारा ऑलमोस्ट इनवॉइस रेडी है। सी, ये हमारा इनवॉइस है जो हमने यहाँ रेडी किया, और ये हमारा फोन पे का इनवॉइस। आई होप लुकिंग गुड, है ना, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये मैंने डिज़ाइन किया, आपको डिज़ाइन करना है ये वाला जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, बेसिकली ये लिंक है, इसका मैं लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और ये जो फाइल है exercise6.html, ये भी मैं गिटहब पर पुश कर दूंगा, इसको वहाँ से डाउनलोड कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, डाउनलोड करो चाहे ना करो, वहाँ पर तुम सोर्स कोड देख सकते हो बेसिकली इस फाइल का, इनकेस मैं वीडियो को अगर कट कर दूँ तो देख पाओगे, ठीक है। तो चलो फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कोई और नई एक्सरसाइज करेंगे, और ट्राई करते हैं कि जो एलिमेंट्स हमने अभी तक टच नहीं किए हैं उनको भी कवर कर लें, ताकि हमारे जो एचटीएमएल सीएसएस की एक्सरसाइज की सीरीज है वो कंटिन्यू रहे, और ऑलमोस्ट 2-3 वीडियो और बनाएंगे एक्सरसाइज की, फिर हम रियल वेबसाइट्स पर भी मूव होंगे कि सिर्फ और सिर्फ एचटीएमएल सीएसएस को यूज करते हुए वेबसाइट्स के जो प्रॉपर वेबसाइट होती है वो किस तरीके से हम डिजाइन कर सकते हैं, ओके। चलो फिर अब जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया मेरे दोस्त तो वो भी कर लेना, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी मुझे फॉलो कर लो, वहां पर अपना सपोर्ट जरूर दिखाओ, किसी भी टाइप का क्वेश्चन को तो वहां पर डायरेक्ट डीएम कर दो, वहां पर मैं एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन बाय बाय।